नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही यूपीआई लाइट के कस्टमर्स के लिए ऑटो टॉपअप फैसिलिटी शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए यूजर्स को अपने बैंक खातों से कई बार यूपीआई लाइट में अमाउंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अमाउंट जो है स्वतः यानी खुद ब खुद ही यूपीआई वॉलेट में जमा हो जाएगा। अब क्या है पूरी खबर, नई सुविधा कब से लागू होगी, यूपीआई लाइट में क्या क्या फीचर मिलते हैं, ऑटो टॉपअप की सुविधा क्या है, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले यूपीआई लाइट में जो एड ऑन फीचर लाया गया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। 31 अक्टूबर से यूपीआई लाइट में टॉपअप फीचर की सुविधा मिलने जा रही है। इससे यूजर्स को बार बार अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड करने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। NPCI के सर्कुलर के मुताबिक 31 अक्टूबर से यूजर्स राशि को दोबारा जमा करने के लिए ऑटो टॉपअप ऑप्शन का उपयोग कर सकेंगे। यूजर्स द्वारा चुनी गई राशि से यूपीआई लाइट बैलेंस ऑटोमेटिक ही खातों में अपडेट हो जाएगा, यानी खातों से यूपीआई लाइट में लोड हो जाएगा। इसका उद्देश्य किसी भी समय यूजर्स को अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में 2,000 रुपए तक लोड करने और यूपीआई पिन के बिना वॉलेट से 500 रुपए तक का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना है। हालांकि यूजर्स किसी भी समय ऑटो टॉपअप ऑप्शन को बंद करने में भी सक्षम हो। अब इसी बात को और आसान भाषा में समझिए। देखिए, इस सुविधा में ग्राहक को बैंक खाते से यूपीआई लाइट खाते में आने वाली एक निश्चित राशि तय करनी होगी। यदि किसी कस्टमर ने टॉपअप के तौर पर 1,000 रुपए की सीमा जो है वो निर्धारित की है, तो जैसे ही यूपीआई लाइट वॉलेट में बैलेंस खत्म होगा वैसे ही 1,000 रुपए खुद से उसमें जुड़ जाएंगे। यूपीआई के जरिए ऑनलाइन भुगतान करने वालों को इससे काफी राहत और आसानी होगी। अब यूपीआई लाइट क्या है और उसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं ये जानिए। यूपीआई के लाइट वर्जन को यूपीआई लाइट कहते हैं, जिसमें पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर है जिसमें आप छोटी राशि को बिना इंटरनेट के भी रियल टाइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई लाइट का इस्तेमाल भीम और पेटीएम पर किया जा सकता है। फिलहाल कुल 8 बैंकों में यूपीआई लाइट फीचर के यूज करने की परमिशन मिलती है। वहीं आप यूपीआई लाइट के जरिए 24 घंटे में 4,000 रुपए तक की लेन देन यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेन देन की संख्या की लिमिट भी तय नहीं की गई। बता दें यूपीआई के पेमेंट पर आपको 6 या 4 डिजिट की जो पिन होती है वो जरूरत नहीं पड़ती है। यूपीआई लाइट में बिना पिन के आप पैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई के जरिए आप पैसे प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई लाइट में केवल पैसे डेबिट करने की परमिशन होती है। अब जाते जाते बैंकों और कंपनियों पर क्या निर्देश लागू होंगे ये जानिए। ये सुविधा जारी करने वाले बैंक यूपीआई लाइट पर ऑटो टॉपअप की सुविधा देंगे, जिससे मैंडेट बनने की अनुमति जो है वो देनी पड़ेगी। यूपीआई लाइट खाते में एक दिन में अधिकतम 5 बार ही बैंक अकाउंट से निर्धारित तय रकम जोड़ी जा सकती है। इसके अलावा संबंधित थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप सर्विस कंपनियों और बैंकों को मैंडेट सुविधा करने वक्त वेरीफाई करना जरूरी होगा। अब हमने आपको यूपीआई लाइट से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत हिंदी।